पीपल, दिस इज योर बॉय अरियान खान एंड कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार जैसा कि आप अभी आपको सुन रहे हो, आज फ्राइडे जुम्मा और अभी जस्ट थोड़ी देर हुई है मैं सो के उठा हूँ और अभी छत पे आया हूँ थोड़ा सा अच्छे व्यू के लिए क्योंकि गर्मी तो ज़्यादा है ही काफ़ी। अच्छा आज एक दो काम है, अगर हुए तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा आज के ब्लॉग में, क्योंकि आप जैसे ज़ाहिर बात है जिस तरह ही मुझे कंटेंट मिलता है तो मैं ब्लॉग बना देता हूँ, जो कंटेंट नहीं मिलता तो मैं नहीं बनाता। आज जो है वो मैं लाइव फोकस पे वीडियो भी नहीं बना रहा आज सारी वीडियो, क्योंकि सारी वीडियो पर क्वालिटी तो बहुत ओपी आती है और तबाही मचा रही है। ये जो जो मानता है वो इस बात को एग्री करेगा मेरे साथ और जो नहीं मानता वो कहेगा नहीं भाई नहीं। तो ठीक है यार, काम जब होगा, अभी तो धूप बहुत ज़्यादा, अभी तो बिल्कुल नहीं, मोस्ट प्रोबेबली शाम को करेंगी। वैसे आज इतनी तेज़ धूप है नहीं, मुझे लग नहीं रही, लेकिन अभी नहीं धूप में इतना काम नहीं, अभी दो चीज़ें उसके लिए चाहिए, वो भी पहले इकट्ठी करनी है। तो चलो दिखाऊंगा आपको भी साथ साथ, क्योंकि खुद मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी इसलिए मेरी अपनी मेरी आवाज़ क्लियर भी आ रही है कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। नेक्स्ट टाइम ना कि जब चीज़ आपकी किस्मत में ना हो ना तो वो आप जितना मर्जी जोर लगा लो वो नहीं होगी। असल में जुम्मे के थोड़ा लेट हो गया था और वैसा फुल भागता हुआ गया हूँ, मतलब कि ना तैयार हो रही थी और मैं ना फुल भाग रहा था, लेकिन मैं चढ़ाऊँ नीचे वाला फ्लोर भी फुल था, उससे ऊपर गया वो भी फुल था, उससे ऊपर गया वो भी फुल था, और फिर तब तक मौलवी साहब ने सलाम भी फेर दिया। फुल सांस चढ़ा हुआ है, दो फ्लोर यहाँ से घर से भागता हुआ मस्जिद तक। तो आपका क्या सीन है कि मैं बाइक पकड़ता हूँ और जो है ना जाता हूँ दूसरी मस्जिद, वहाँ जाके जुम्मा तो लाजमी सर पढ़ना है। तो बहुत सांस चढ़ गया यार। ठीक है अब थोड़ा बाल शाल सेट थोड़े से करता हूँ, ऐनक भी नहीं पहनी हुई थी ऐसी, बस भागा हूँ मैं। तो ठीक है यार अब बाइक पकड़ता हूँ दूसरी मस्जिद जाता हूँ, होपफुली वहाँ मिल जाएगा। तो जुम्मा पढ़ता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो यार जुम्मा पढ़ लिया है दूसरी मस्जिद में आके, उधर तो मिला नहीं था, बस अब जल्दी से घर पहुँचा, घर जाके बाइक पकड़ के तो बस जुम्मा पढ़ लिया है। बाइक पहुँच ही गया था, अभी शुरू ही हुआ था तो मैंने पढ़ लिया। तो ठीक है यार बस चलता हूँ घर, ये घर की बैक साइड पर आया हूँ, ये पीछे रेलवे ट्रैक चल रहा है सारा, तो बस उतना का व्यू हुआ इधर से ये सारा। तो जस्ट अब घर जा रहा हूँ और फिर घर जाता हूँ फिर मैं आपसे। ये कितने का है भाई साहब? भैया कितने का यार दोनों? शाम का टाइम हो गया और अभी जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मैं लेने आया था और मुझे मिल गई, मुझे चाहिए था सूटर। और अभी अभी मैं जा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक काम जा रहा हूँ वो करके फिर मैं रात को जो है ये काम करूँगा। तो चलो क्या मैं पहले एक थोड़ा सा काम है वो कर लूँ और फिर मैं उसके बाद आता हूँ। इस वक्त टाइम हो गया है रात के 4 और मैं बहुत देर से विंडोज़ जो है शाम के 4 बजे तक सेल लगा हुआ था, विंडोज़ 11 इंस्टॉल, अभी 24% हो गई। दो दिन बाद का वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, दो दिन बाद की जो मैंने काम करना था वो तो नहीं हो सका सही तरीके से, उसके लिए तो चीज़ें काम है, तो होपफुली वो जब पूरी हो जाएगी तो मैं वो भी काम करूँगा। आज जो है ये गाड़ी जो मेरी अपनी है इसको मुझे करना है कंपाउंड पॉलिश, मैं कल गया हुआ था और सारा सामान वगैरह लेके आया हूँ, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ ये यूज़ होगी कंपाउंड ये मैं लेके आया हूँ कल, और सेकंड ये गाड़ी है मेरे पास कंपाउंड की मशीन है, बफिंग मशीन, बफिंग पैड वगैरह का लेके आया था, तो अभी जस्ट करेंगे ये क्योंकि ये आ रही है। और वैसे भी ना सरफेस जो है ना थोड़ी सी गाड़ी की हल्की सी ना रफ है, तो सरफेस को स्मूथ होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम जब गाड़ी वॉश की थी ना लास्ट संडे को, तो उस वक्त मैंने जब उसको वैक्स किया था ना पॉलिश, तो उस वक्त मैंने आइडिया लगाया था कि एक दफ़ा कंपाउंड जो है वो ज़रूरी है इसके लिए। तो जस्ट अब कंपाउंड करूँगा, तकरीबन 2-3 घंटों का काम है पूरी गाड़ी को कंपाउंड करना है, उसके बाद वॉश करके दोबारा वैक्स करना है। तो पूरी गाड़ी तकरीबन 2-3 घंटे या उससे भी ज़्यादा लग जाएंगे, गर्मी बहुत है लेकिन यार कोई नहीं, काम करना है।
तो चलो आपको भी दिखाऊंगा साथ साथ जो भी होगा। तो चलो शुरू करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ साथ साथ। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है बफिंग मशीन, ठीक है, जिससे मैं बफ कर रहा हूँ। और अभी जस्ट मैंने ये बम्पर वगैरह किया है और इट इज़ रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, रिफ्लेक्शन आ रही है और बड़ी परफेक्ट वाली शाइन है, ठीक है। अभी जस्ट मैं दिखाऊँ तो मैंने इस साइड से लेके एक ये अभी तक तकरीबन 15-20 में थोड़ा सा इशू हो गया था बीच में, वो मैंने क्लियर आउट किया। तो इतनी देर में ना सिर्फ जस्ट ये अभी बम्पर हुआ है और अभी पूरी गाड़ी गाड़ी पड़ी है। एक 40 हो गया, 5 मिनट रह गए हैं जोहर की नमाज में, तो वो भी पढ़नी है। जस्ट देखता हूँ 5 मिनट में कितना होता है, उसके बाद नमाज पढ़ने जाऊँगा, नमाज पढ़ के आऊँगा और फिर कंटिन्यू करूँगा। होपफुली जो मेरा काम था वो अब ठीक होगा। मसला क्या हुआ था, ये जो है ना ये वाला इसका डिस्क, ये इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये इसका ना ये जहाँ पे इसके ना मैजिक होती है सारी इस ऊपर, तो मैंने ना इसको सॉल्यूशन से चिपकाया था, ठीक है। ये एरिया सारा ही देखें, अभी भी इस पर सॉल्यूशन वगैरह लगी हुई है सारी, तो वो नहीं चला। वो हो ये रहा था कि मशीन बहुत ज़्यादा हीटअप होती थी, हीटअप होने की वजह से ये इस पर हीट की वजह से ग्लू वगैरह सारी मेल्ट हो जाती थी और ये खुद ब खुद ही चलते चलते उतर गया। अब जो मैंने काम किया वो परफेक्ट है और इंशाल्लाह वो अब लाइफ टाइम है, ठीक है। वो ये है कि मैंने एक डिस्क ली थी कल अलग से, वो मैंने डिस्क इसके साथ में दिखाता हूँ, इसके साथ जुगाड़ ये किया है कि वो इसके साथ एक अंदर बोल्ट टाइट कर दी। ये मैजिक से पेस्ट हुई हुई है, ये जो आपको फर्श से नज़र आ रहे हैं, और इसके नीचे ये येलो येलो सर जो आप देख रहे हैं ये, और ये प्लास्टिक, इसको मैंने बोल्ट के साथ नीचे मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब ये देखिए मैं दिखाता हूँ, तो परफेक्ट चल रहा है। तो मसला था, और गर्मी भी अच्छी खासी है, बट या हो जाएगा, नो इशू। और ईद से पहले पहले यार कर लें, काम ज़बरदस्त हो जाएगा और वी आर गुड टू गो। अब शुक्र है, मुझे बस ये टेंशन थी कि यार ये हो जाए, वरना हाथ से करता ना वही सब बहुत देर लग जानी थी, बहुत ज़्यादा ही। और हाथ से वो परफेक्शन भी नहीं आती क्योंकि यार मशीन मशीन है भाई, मशीन ने एक दफ़ा घुमाया 100 हाथ के बराबर है मशीन, तो ठीक है अब करते हैं। यार कहते हैं ना कि कोई काम सही हो रहा हो तो ख़राब ज़रूर होना होता है। ये मैंने जो किया था ना इसमें क्या कहते हैं इसे जुगाड़ टाइप, सब ठीक करके हो गया ना काम। ये जो प्लास्टिक है जिसका ये डिस्क बनी हुई थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और ये जो मशीन है इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसने ये एरिया ही तोड़ दिया है, बोल्ट लगा रह गया, ये जगह लगी रह गई है और ये चीज़ टूट गई है। अब क्या करना है जी, अब ये एरिया आप देख रहे हैं ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखें हम मैंने क्या, ये देखें कितना खूबसूरत बिल्कुल सेट हो गया। ये मैंने अब हाथ से किया, कंपाउंड लगाऊंगा और सारा हाथ से करूँगा। मुश्किल यार, लेकिन अब शुरू किया ना तो इस काम को पूरा करना है। चारों दरवाजे हैं, रियर एंड और छत है, इतनी मेहनत नहीं है क्योंकि सरफेस वाली बहुत अच्छी थी, बस थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि साल हो गया गाड़ी का, तकरीबन सही करवाया गया सारा, तो जो है ना हो जाएगा। इतनी कोई रफ सरफेस नहीं है, सरफेस अच्छी है, सरफेस ठीक है एक बारी में काम। और अगर सरफेस ख़राब होती ना तब मशीन के बगैर बहुत मुश्किल था, वो इम्पॉसिबल था, लेकिन अब मशीन के बगैर इजी है, हो जाएगा, मैंने ट्राई कर लिया और इट विल बी परफेक्ट। सो ठीक है करता हूँ, अब हाथ से करना है, जितना टाइम लगाया था उससे घंटा डेढ़ ऊपर लगेगा होपफुली, लेकिन यार जो होता है बेहतरी के लिए होता है, ठीक है, इसमें अल्लाह की बेहतरी। मैं कुछ बुरा भला नहीं कहूँगा, क्यों हो गया, कैसे हो गया, सही हो रहा था, अल्लाह की बेहतरी जो भी हुआ, ठीक है। तो नाउ अब करेंगे फेंडर और आधा हुड, आधा क्वार्टर हुड हो गया, दोनों फेंडर्स हो गए, बम्पर हो गया, लाइटें हो गई हैं, क्वार्टर हुड जो है वो रह गया, तो वो करेंगे, और उसके बाद चारों दरवाजे, रियर एंड छत, देन वी आर गुड टू गो इंशाल्लाह। तो मिलता हूँ फिर आपको, दिखाता हूँ अगर होपफुली अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक आधा टाइम लैप्स लगा दूँगा। टाइम हो रहा है रात के 8:15 और जस्ट मैं अभी फारिग हुआ हूँ सब कुछ करके। रियली सॉरी यार, मैं कोई भी जो है वो से वीडियो या कोई भी क्या कहते हैं टाइम लैप्स नहीं बना सका, जगह नहीं थी, और दूसरा कोई स्टैंड मुझे मेरा जो ट्राईपॉड है वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो फिर इस वजह से मैंने नहीं बनाया। तो मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ और देखें आप जी, 8 घंटे की मेहनत, सुबह 12 बजे लगा था और आज अभी 8:15 हो रहे हैं, ये देखें आप
everything mashallah is on perfect level. Okay, just a bit mashallah. Or अंदर से थोड़ी सी दिखा देता हूँ, अंदर से जी शाइनर वगैरह लगा और माशाल्लाह जबरदस्त। मैंने फ्राइडे नाइट को दिखाया था कि मैं विंडोज 11 कर रहा हूँ, तो इट इज़ ऑल इंस्टॉल्ड। उसी दिन रात को हो गई थी और एक्टिवेट भी मैंने कर ली थी। मैं आपको अगर दिखाऊँ उसकी एक्टिवेशन में जाके अबाउट में जाएंगे शायद विंडोज 11 प्रो फीचर रीनेम, लेट मी सी आपको दिखाता हूँ इसकी। हम जाएंगे सेटिंग्स में, इसकी ये टास्क बार उन्होंने यूँ कर दी है और ये सारा बहुत ज़बरदस्त हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी ये तो सॉरी मैं थोड़ा सा ना यूज़ करने में मुश्किल होगी क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए ये इसका टास्क बार है जो उसमें आपने चीज़ें खोली हैं डेस्कटॉप में, ये सारा कुछ शो करेगी। और ये इसका सर्च बार इन्होंने दे दिया इसमें, यहाँ से मैं आपको सेटिंग में जाके इसकी एक्टिवेशन दिखाता हूँ कि विंडोज़ एक्टिवेटेड। बहुत कमाल विंडो है यार, बहुत ही कमाल, जितना कहो ना उतना कम है। विंडो बहुत ओपी है, बहुत ज़्यादा ओपी है। इसकी एक्टिवेशन नहीं मुझे मिल रही किधर गई, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। हाँ, विंडोज़ एक्टिवेटेड यूजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेशन सर्विस, ठीक है। विंडो एक्टिवेटेड है और विंडो बहुत ही कमाल है गाइस, बहुत मज़े की विंडो है। ये देखो मैं इसके आप थोड़े बहुत वाल पेपर्स दिखाता हूँ। मुझे तो ये अपना इसका जो परफेक्ट लगा है वाल पेपर वही है, एक ये वाल पेपर है इसका और ये भी बहुत अच्छा। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने विंडो देखी ही नहीं है अभी, बहुत कमाल है, बहुत ही मज़े की विंडो है और मज़ा आ गया। हम रख लेते हैं फिलहाल गाइस यही वाला, इसका ये सबसे ओपी। और इन्होंने ना ये देखो ये जो कॉर्नर्स हैं इन्होंने ये कर्व कर दिए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है। और बाकी बहुत ज़बरदस्त है ये, इसका स्टार्ट बार है, ठीक है, सारा स्टार्ट बार है इसका। और आज के इस व्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। 3-4 दिन की हिस्ट्री बताई, अभी जो काम है वो मेरा रहता है, वो मैं इंशाल्लाह व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। कल का व्लॉग दिखाया उसमें यार मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे स्नैपचैट के लिए और बस एक ना वीडियो बनाई थी। अगर होपफुली हुआ ना तो मैंने वो, अगर आपने वीडियो में देखे होंगे तो वो मैंने डाल दिए होंगे, अगर मुझे नहीं सही लगेंगे तो वो मैं नहीं डालूंगा। होपफुली डाल दूंगा, उसमें पीछे म्यूजिक चला दूंगा ताकि आप थोड़ा बहुत देखो। मशीन टूटने के बाद ना बहुत मेहनत लगी, जो काम 2 घंटे का था उसमें 4 से 5 घंटे लग गए और मेरे हाथ की जो कलाई है ना वो अभी भी दर्द हो रही है। ऊपर थोड़ी यार सरफेस इतनी ख़राब नहीं थी लेकिन फिर भी जो है ना क्या कहते हैं मेहनत काफ़ी लगी, लेकिन यार आउटस्टैंडिंग रिजल्ट माशाल्लाह। अब जब भी गाँव भी गाड़ी खड़ी हो रही है ना उसका पता लग रहा है कि यार वाकई काम हुआ है। डिटेलिंग वगैरह, मैं बैक पॉलिश शाइनर भी लाया था जो ब्लैक पार्ट्स प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं उसको शाइन करने के लिए, मैं वो भी लेके आया था। तो बहुत ज़बरदस्त हो गया काम यार। तो ठीक है, अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, स्टे सेफ।